पर्स में रख लो, केवल ये एक चीज हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जिन लोगों के पर्स में 9 में से कोई भी एक चीज हमेशा रहती है, उनका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है और उनकी तिजोरी में नोटों की गड्डियां सजी रहती हैं। और ऐसा कह रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरुजी की बताई हुई उन 9 चीजों के बारे में, तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अक्सर सभी पुरुष और महिलाएं अपने पास पर्स को रखते ही हैं और इनमें वह अपने पैसे और कीमती और जरूरत की चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन अगर आपके धन की बढ़ोतरी का उपाय आपके पर्स में ही रख लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसके लिए गुरुजी कहते हैं कि माता लक्ष्मी को कमल बहुत ही प्रिय होता है। तो अगर आप अपने पर्स में कमल के बीज, जिसे कमलगट्टा कहा जाता है, उसे रखते हैं तो यह आपके धन की स्थिरता बनाए रखता है और आपके खर्चों पर नियंत्रण लग जाता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी का श्री यंत्र स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप होता है। अगर आप अपने पर्स में ये श्री यंत्र को रख लेते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके हर प्रयास में आपको शुभ फल देखने को मिलता है। इसी के साथ समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए गोमती चक्र स्वयं माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माने जाते हैं। इसीलिए अगर आप 1, 3, 5 या 7 की संख्या में गोमती चक्र अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपको न केवल शारीरिक और मानसिक बल बल्कि आर्थिक रूप से भी आपको बढ़ोतरी मिलती रहेगी और आपके आय के नए नए साधन खुलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने धन की रक्षा करने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी आपके पर्स में विराजमान रहेंगी तो आपके धन को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि अपने पर्स में अगर आप माता लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर रखते हैं जिसमें वह भगवान विष्णु के पैर दबा रही होती है तो आपके जीवन में सभी कार्य शुभ और मंगल परिणाम देते हैं और आपके जीवन में कई मुश्किलों का हल भी इससे हो जाता है। के साथ गुरुजी ने अपने पर्स में कौड़ियां रखने को भी कहा है। कौड़ियां माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय होती है। तो अगर आप अपने जीवन में वैभव और समृद्धि चाहते हैं तो अपने पर्स में 7 पीली कौड़ियां जरूर। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं कि पीपल के पेड़ में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है और लक्ष्मी नारायण तो स्वयं पीपल के पेड़ में ही वास करते हैं। तो अगर आप अपने पर्स में पीपल के पत्ते को साफ करके उसे इस तरह रखते हैं जिससे वह कहीं से भी खराब नहीं होता तो ऐसा करने से आपके पास ना तो कभी रुपए पैसे की कमी रहेगी बल्कि आपके सौभाग्य और समृद्धि में भी लगातार बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ पर्स में चावल के दानों का रखना आपकी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगाने के लिए बहुत ही लाभदायक। तो अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता तो अपने पर्स में 21 चावल के दाने जरूर रखने चाहिए। साथ ही गुरुजी ने अपने भक्तों को उनके पर्स में रुद्राक्ष रखने को भी कहा है। रुद्राक्ष महादेव का साक्षात रूप होता है तो अगर आप अपने पर्स में रुद्राक्ष रखते हैं तो इससे आपके धन दौलत में बढ़ोतरी होती रहती है, साथ ही आपके जीवन में दरिद्रता और कलेश का नाश भी होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए 9 में से कोई एक वस्तु आप अपने पर्स में आज से जरूर रखना चालू करेंगे और आचार्य जी के बताए हुए इन उपायों का फल प्राप्त जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।